हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए है। ये नोटिफिकेशन आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर की तरफ से। आप चेक कर सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जॉब्स एट द रेट एनआईटी श्रीनगर का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस लिंक को फॉलो करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा टेम्प्ररी फैकल्टी का। तो यहाँ पे टेम्प्ररी फैकल्टी की पोस्ट है, लेकिन सैलरी आपको यहाँ पे 65,000 मिलेगी। जब आप इस लिंक को फॉलो करेंगे, आपको एडवर्टीजमेंट का लिंक मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ टेम्प्ररी फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। ये 9 तारीख को वैकेंसी रिलीज हुआ है। जब आप इस लिंक को फॉलो करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात करें तो ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट में एक एक वैकेंसी है। मैनेजमेंट की एक वैकेंसी है, इंग्लिश की एक वैकेंसी है, दोनों अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर होना चाहिए, इसके साथ साथ एमबीए मांगा गया है और पीएचडी होना चाहिए मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए। इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए बैचलर मास्टर डिग्री मांगा गया है और पीएचडी भी होना चाहिए इंग्लिश में। ईमेल आईडी यहाँ पे गिवन है, इस ईमेल आईडी पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, यानी सेंड करना है। यहाँ पे कुछ नोट सेक्शन मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास बैचलर और मास्टर डिग्री में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। नोट 2 में मेंशन किया हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ पे पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी के रूप में काम किया है, और यहाँ पे कोर्ट में, यहाँ के जो हाई कोर्ट है उसमें इन्होंने केस फाइल किया हुआ है कंटिन्यूएशन के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। नोट 2 इन्होंने मेंशन किया है। अगर आगे बात करें हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन की, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या लिखा हुआ है। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई बाई सेंडिंग एप्लीकेशन बायोडाटा ऑन द गिवेन ईमेल ओनली। तो जो ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म या बायोडाटा आपको सेंड करना है। द कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई हिम हर सेल्फ अगेंस्ट द एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर ले, तभी अप्लाई करें। यहाँ पे जो तीसरे नंबर की जो बात है, वो है कि ये प्योरली टेम्प्रोरी वैकेंसी है, जो कि इनिशियली 11 मंथ की होगी। और यहाँ पे जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, उनको यहाँ पे सैलरी 65,000 पर मंथ मिलेगी, जैसा इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर रखा है, द कैंडिडेट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इमीडिएटली एंड आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट फिजिकली एट द स्टेशन ऑफ पोस्टिंग। तो यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। नो एकोमोडेशन इज अवेलेबल एट एनआईटी श्रीनगर। तो ऐसे कैंडिडेट जो यहाँ ज्वाइन करेंगे, उनको अपना अरेंजमेंट खुद खुद का करना होगा रहने के लिए। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट के पास वो अपना राइट रखता है कि वो कितने लोगों को कॉल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया यू आर गोइंग टू बी कॉल फॉर द इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आपको इमीडिएटली ज्वाइन दिया जाएगा। यहाँ पे लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है, वो 24 नवंबर 2022 रखा हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, द एप्लीकेशन बायोडाटा अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ्स, ग्रेड कार्ड, डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे सबमिट करना है थ्रू ईमेल ओनली ऑन द गिवन ईमेल आईडी। तो ये यहाँ पे प्रोसेस है अप्लाई करने का। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे आपको सेंड करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू सो मच।